तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में आप लोगों को सिखाने वाला हूं कि अपने ही फोन से घर बैठे मोबाइल फोन से एक छोटी सी बच्ची का पासपोर्ट साइज फोटो कैसे बनाएंगे। मैं आज आप लोगों को सिखाऊंगा आसान और सिंपल तरीका से पासपोर्ट साइज फोटो बनाना। आप लोग अगर हमारे चैनल में नए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी जरूर दबा दीजिएगा, ताकि मैं आगे कोई भी वीडियो अपलोड करूँ सबसे पहले आप तक नोटिफिकेशन पहुँच जाए। चलिए फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो गाइस, सबसे पहले आप लोग देख सकते हैं बच्ची का फोटो है, इसको मैं पासपोर्ट साइज फोटो बना के दिखाऊंगा मोबाइल फोन से, ठीक है। इसका बैकग्राउंड भी चेंज करके दिखाऊंगा, सब कुछ करके दिखाऊंगा। तो फ्रेंड्स, वीडियो अगर अच्छा लगता है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी ज़रूर दबा दीजिएगा और वीडियो को पूरा आप देख लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, इस फोटो को यहाँ पर सबसे पहले बैकग्राउंड चेंज करने के लिए गूगल में आपको आ जाना है और यहाँ पर आप लोगों को लिखना है रिमूव बिजी। तो देख सकते इस तरह से आप लोग लिख लीजिएगा रिमूव बीजी, उसके बाद ओके कीजिएगा। ओके जैसे कीजिएगा गाइज, पहला वाला वेबसाइट यहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पर आप लोगों को क्लिक करना पड़ेगा, ठीक है। तो आप लोग क्लिक कर लीजिएगा, उसके बाद देखिए नीचे में अपलोड इमेज, इसमें आप लोगों को क्लिक करना है, ठीक है। क्लिक जैसे कीजिएगा गैलरी खुल जाएगा, यहाँ से अभी उस बच्ची का फोटो को आप लोगों को सिलेक्ट करना पड़ेगा, ठीक है। सबसे पहले आप लोगों को बैकग्राउंड इरेज करना पड़ेगा, इसलिए सेलेक्ट कीजिएगा। सेलेक्ट जैसे कीजिएगा यहाँ पर इंटर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर जैसे इंटर हो जाएगा देख सकते हैं यहाँ पर बैकग्राउंड इसका इरेज हो गया है, ठीक है। बैकग्राउंड इरेज हो गया, PNG बन जाएगा, देख सकते हैं यहाँ पर डाउनलोडिंग का ऑप्शन, इसमें क्लिक कीजिएगा। उसके बाद यहाँ पर डाउनलोडिंग हो गया, गैलरी में डाउनलोडिंग हो गया, अभी कोई दिक्कत नहीं है। अभी उसके बाद आप लोग देख सकते हैं पिक्सेल लैब एप्लीकेशन को अपना ओपन कीजिएगा, ठीक है। गूगल प्ले स्टोर से बहुत ही आसानी से मिल जाता है। बीच वाला टैक्स है, इसको आप लोग यहाँ से डिलीट कर दीजिएगा, डिलीट कर दीजिएगा। और ये जो बैकग्राउंड है, पहले इसको कलर आप लोग कर लीजिएगा, जो कलर आप लोग बैकग्राउंड रखना चाहते हैं पासपोर्ट साइज में। यहाँ पर क्लिक कीजिएगा लायर में, उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं कलर का ऑप्शन है, यहाँ पर बहुत सारा कलर मिलेगा, तो आप लोग एक कलर सेलेक्ट कर लीजिएगा, कोई भी अच्छा सा कलर एक लोग सेलेक्ट कर लीजिएगा बैकग्राउंड कलर, ठीक है, जो पासपोर्ट में रहता है। यहाँ पर बहुत सारा है, मैं कोई भी आप लोगों को यहाँ पर लगा के दिखा देता हूँ, ठीक है। इस तरह से आप लोग क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पर कलर होते जाएगा, ठीक है। कोई भी कलर एक सेलेक्ट कर लीजिएगा, मैं एग्जांपल के लिए एक कलर सेलेक्ट कर लेता हूँ, ये वाला, ठीक है। तो गाइज, इस तरह का कलर लेने के बाद आप लोगों को ओके करना है। ओके जैसे कीजिएगा इस तरह से हो जाएगा, ऊपर में देख सकते प्लस में आप लोगों को क्लिक करना है। जैसे क्लिक कीजिएगा यहाँ पर फ्रॉम गैलरी का ऑप्शन आएगा, इसमें आप लोगों को क्लिक करना है, जिसको आप लोग इरेज किए थे बैकग्राउंड, उसको आप लोगों को सेलेक्ट कर लेना पड़ेगा। उस फोटो को देख सकते हैं यहाँ पर मैंने सेलेक्ट कर लिया हूँ, सेलेक्ट कर लेने के बाद इस तरह से आएगा, उसके बाद आप लोगों को ओके करना है। ओके जैसे कीजिएगा यहाँ पर आ जाएगा, इसको इस तरह से खींच के लंबा कर लीजिएगा, ठीक है। इस तरह से पहले इसको एडजस्ट कर लीजिएगा, लंबा कर लीजिएगा, और इसको आप लोगों को ऊपर में जाके आप लोगों को सबसे पहले इसको सेव करना है, ठीक है। तो यहाँ पर देख सकते हैं डिफॉल्ट में क्लिक कीजिएगा, अल्ट्रा मोड में आएंगे और उसके बाद सेव टू गैलरी कर दीजिएगा, तो आपका सेव हो जाएगा फोटो, ठीक है। तो यहाँ से सबको पहले हटा लेते हैं, सेव हो गया आपका। यहाँ पर क्लिक कीजिएगा डिफॉल्ट में, क्लिक कीजिएगा डिफॉल्ट में, क्लिक कीजिएगा तो हट जाएगा। बीच वाला टेक्स्ट को उसी तरह से ऊपर में देख सकते हैं डिलीट का ऑप्शन है, इसमें आप लोगों को क्लिक करना है और हटा देना है, ठीक है। इस तरह से हट जाएगा। और अभी मेन बात है कि यहाँ पर पेज साइज आप लोगों को करना है, किस पेज साइज में आप लोग फोटो निकालना चाहते हैं। यहाँ पर आप लोग क्लिक कीजिएगा 3 डॉट में, इमेज साइज यहाँ पर दिखा रहा, तो यहाँ पर आप लोगों को साइज ले लेना है 4:6 साइज, ठीक है। 4:6 साइज में ज़्यादातर निकालता है फोटो, इसमें आप लोग यहाँ पर लिखिएगा 4 और इधर 6 लिखिएगा, 4x6 इस तरह से कीजिएगा। ऊपर में देख सकते हैं इस तरह से आएगा, ठीक है। ये वाला आप लोग स्क्रीनशॉट करके रख लीजिएगा, इसी से ज़्यादा प्रिंट निकालता है पासपोर्ट साइज का। उसके बाद आप लोग ओके कर दीजिएगा, तो आप लोगों का 4:6 साइज पेपर बन के रेडी हो गया। अब ये पेपर को आप लोगों को व्हाइट कर देना होगा, ठीक है, क्योंकि व्हाइट करना पड़ेगा। व्हाइट कर दीजिएगा यहाँ पर कलर में आके, व्हाइट यहाँ पर कलर है, तो इस तरह से आप लोग व्हाइट कर दीजिएगा, तो पेपर आपका रेडी हो गया है, ठीक है, फोटो डालने के लिए। उसके बाद अभी क्या कीजिएगा, यहाँ पर देख सकते हैं ये वाला डब्बा है ग्रब वाला, इसमें आप लोगों को क्लिक करना है, इसमें पता चलता है डब्बा डब्बा दिया हुआ है, इसी के अंदर आप लोगों को फोटो को ऐड करना है। किस तरह से ऐड करेंगे, चिन्ह के लिए, ठीक है, प्लस में क्लिक कीजिएगा, उसके बाद फ्रॉम गैलरी में आ जाएंगे, उसके बाद गैलरी खुल जाएगा, उस फोटो को अभी ले लेना है। अभी जो आप एडिट किए थे, बनाए थे, कलर आप लोग डाले थे बैकग्राउंड, देख सकते हैं इस तरह से आ जाएगा। यहाँ पर अभी आप लोग ध्यान दीजिएगा, इस तरह से आने के बाद यहाँ पर देख सकते हैं बहुत सारा यहाँ पर फ्रेम दिया हुआ है, तो आप लोगों को ये वाला फ्रेम आप लोगों को लिखना
लेना है, ठीक है। ये वाला फ्रेम आप लोग देख लीजिएगा 3.5 3.4, ठीक है। इस तरह से आप लोग इसको सेलेक्ट कर लीजिएगा। सेलेक्ट कर लेने के बाद इसको इस तरह से क्रॉप कीजिएगा, ठीक है। इस तरह से क्रॉप कीजिएगा पासपोर्ट साइज के जैसे साइड साइड इधर इस तरह से है, तो इस तरह से आप लोग क्रॉप कीजिएगा ऊपर नीचे दाएँ बाएँ इस तरह से आप लोग एडजस्ट कीजिएगा, फोटो को क्रॉप कीजिएगा, ठीक है। तो देख सकते हैं इस तरह से मैं कर रहा हूं, तो आप लोग भी इस तरह से कर लीजिएगा। कर लेने के बाद इस तरह से हो जाने के बाद अभी ऊपर तरफ भी थोड़ा आप लोग क्रॉप कर लीजिएगा, इस तरह से ऊपर तरफ भी क्रॉप कर लीजिएगा। और उसके बाद यहां पर देख सकते हैं ओके का चिन्ह है, यहां पर राइट चिन्ह है, इसमें आप लोग क्लिक कर लीजिएगा तो इस तरह से आ जाएगा। इसको आप लोग इस तरह से दबा के इस तरह से उसी के अंदर आप लोगों को सेट करना है, ठीक है। वो डब्बा डब्बा जो दिख रहा है उसी के अंदर आप लोगों को सेट करना है पासपोर्ट साइज फोटो निकालने के लिए, ठीक है। इसके अंदर इस तरह से आप लोग सेट कर लीजिएगा, इसी के अंदर बाहर नहीं करना है, ठीक है, नहीं तो आप लोगों का फोटो कट जाएगा। इस तरह से कर लीजिएगा। और इसका भी बॉर्डर लगाना है तो यहाँ पर देखिए बीच में क्लिक कीजिएगा, यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा स्ट्रोक बोल के, ठीक है। उसको आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर स्ट्रोक है ये वाला, ठीक है। स्ट्रोक आप लोग कीजिएगा तो बॉर्डर लगेगा, इस तरह से ओके कीजिएगा, इसको ब्लैक वाला बॉर्डर आप लोगों को लगा देना है, ठीक है। तो इस तरह से आप लोग उसके बाद ओके कर दीजिएगा। यहाँ पर जितना आप लोग बॉर्डर लगाना चाहते हैं उतना बड़ा कर सकते हैं यहाँ पर प्लस करके, तो उसके बाद ओके कर दीजिएगा। तो फोटो में देख सकते हैं बॉर्डर लग के रेडी हो गया है, अभी एक फ़ोटो हो गया। अभी बहुत ही आसान है, इसमें फ़ोटो में क्लिक करना है या कॉपी करना है। कॉपी में जैसे क्लिक कीजिएगा देखिए कॉपी हो गया, और इसी तरह से उसको दबा के आंगली की मदद से इसको दबा के इस तरह से यहाँ पर लगा देना है, ठीक है। उसी तरह से आपको कॉपी करना है, नीचे में फ़ोटो में क्लिक करना है और यहाँ पर कॉपी करना है, कॉपी हो जाएगा और इस तरह से आप लोगों को यहाँ पर लगा देना है। इस तरह से आप लोगों को जितना कॉपी आप लोगों को निकालना है पेपर में, ठीक है, उतना आप लोगों को यहाँ पर इस तरह से लगाना है। एक लाइन में चार होता है, ठीक है, एक लाइन में चार होता है। इसी तरह से आप लोगों को यहाँ पर देखिए बहुत सारा जगह दिया हुआ है, जितना आप लोगों को फोटो निकालना है कॉपी करके पकड़ के इस तरह से आप लोग ले लीजिएगा। मैं जल्दी जल्दी यहाँ पर कर लेता हूँ, जितना कॉपी आप लोगों को निकालना है इस तरह से आप लोग कर लीजिएगा, है ना। कर लेने के बाद देख सकते हैं इस तरह से मैं कर रहा हूँ, जल्दी जल्दी आप लोगों को दिखा दे रहा हूँ। कॉपी करना है, सिर्फ फोटो में क्लिक करना है और कॉपी करना है और खींच के लेके आ जाना है। तो देख सकते हैं इस तरह से मैंने पूरा पेपर में भर दिया है 4:6 साइज में, और इस तरह से देखिए एक्स्ट्रा ये सब है तो इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। डिलीट कर देने के बाद देखिए इस तरह से हो जाएगा, आपका फ़ोटो बन के रेडी हो गया। 4:6 साइज में इतना फ़ोटो आप लोगों का होगा, ठीक है, एक साथ निकलेगा। तो ये सब हो जाने के बाद अभी आप लोगों को ऊपर में देख सकते हैं सेव का ऑप्शन है, इसमें आप लोगों को क्लिक करना है। देख सकते हैं सेव एज इमेज में, और यहाँ पर ध्यान दीजिएगा अल्ट्रा मोड में आप लोगों को करना है। यहाँ पर देख सकते हैं डिफॉल्ट में क्लिक करने के बाद अल्ट्रा मोड कीजिएगा, सेव टू गैलरी कर दीजिएगा तो आपका HD में सेव हो जाएगा, ठीक है, सेव हो गया है। अभी चलिए गैलरी में आप लोगों को दिखा देते हैं किस तरह से सेव हुआ है। देख सकते हैं सेव हो गया, अभी कुछ दिक्कत नहीं। स्टूडियो में जाइए और ये फोटो दे दीजिए और बोलिए कि मेरा इसको प्रिंट आउट निकाल दीजिए, कम खर्चा में आपका हो जाएगा और बहुत ही अच्छा हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, कम खर्चा में हो जाएगा। तो वीडियो अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी ज़रूर दबा दीजिए।